दोस्तों आज हम ऐसे पावरफुल लीडर के बारे में जानेंगे जिसका हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जी हाँ, आज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को आजाद कराने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही हमारे देश को आजाद कराना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई यूरोपियन स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करा। इन्होंने हाई स्कूल में 10 क्लास में इन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया। इसके बाद इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद तब ये देश को आजाद कराना चाहते थे। तब इंडिया के पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी। तब इंडिया को कौन रन कर रहा था? इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट रन कर रही थी। इंडिया को अंग्रेज हुकूमत रन कर रही थी। इंडिया के पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी। इंडिया के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। लोग कोलेरा डिसीज, फौना, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ऐसी ऐसी डिसीज का सामना कर रहे थे। ऐसी ऐसी बीमारी का सामना कर रहे थे। इंडिया के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। इंडिया के लोग दिन ब दिन मरते जा रहे थे। सिर्फ कोलेरा डिसीज से 1.5 लाख पीपल मर रहे थे। दिन ब दिन लोग मरते जा रहे थे। इंडिया के पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस ये सारी हालात देखने के बाद सुभाष चंद्र बोस इंडिया को आजाद करना चाहते थे। इंडिया को आजाद करना चाहते थे। गरीबों की मदद करना चाहते थे। बीमार लोगों की मदद करना चाहते थे। लेकिन उनके पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी। तब इंडिया को कौन रन कर रहा था? इंडिया को अंग्रेज हुकूमत रन कर रही थी। इंडिया के अंग्रेज गवर्नमेंट रन कर रही थी। इंडिया के पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस गए। सुभाष चंद्र बोस गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज आप कैसे इंडिया को चला रहे हैं? प्लीज हाउ कैन यू रनिंग इंडिया? आप कैसे इंडिया को चला रहे हैं? इंडिया सिचुएशन इज वेरी पुअर। इंडिया के हालात बहुत खराब है। इंडिया के लोग दिन ब दिन मरते जा रहे हैं। बूढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, सब लोग मरते जा रहे हैं। बताइए आप इंडिया को कैसे चला रहे हैं? तब ऐसा जवाब उसने दिया सुभाष चंद्र बोस। वो जवाब सुनने के बाद सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा दुख हो गए। उसने क्या कहा? अंग्रेज हुकूमत में कहा कि अगर तुम इंडिया में रहना चाहते हो तो इंडिया में रहो, अगर इंडिया में नहीं रहना चाहते तो इंडिया छोड़कर दूसरी कंट्री चले जाओ, दूसरी कंट्री चले जाओ। आफ्टर लिसनिंग दिस पॉइंट, ये बात सुनने के बाद सुभाष चंद्र बोस के रोंगटे खड़े हो गए। सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा परेशान हाल थे। सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा दुख थे। सुभाष चंद्र बोस के पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा परेशान थे। सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा परेशान थे। दो दो दिन तक कुछ खा नहीं रहे थे, सो नहीं रहे थे। उनकी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते थे वो, लेकिन इंडिया के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। तब इंडिया के पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के फादर ने सुभाष चंद्र बोस के पिता ने सुभाष चंद्र बोस से कहा, तुमको अब जाना चाहिए लंदन आईसीएस स्टडी करने के लिए। तुमको आईसीएस पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना चाहिए। आईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस के लिए वो चले गए लंदन। लंदन जाने के बाद वो अपना 100% दे रहे थे, अपने स्टडी पर 100% दे रहे थे। उसके बाद सात महीने के अंदर उन्होंने अपने शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ 7 दिन के अंदर आईसीएस स्टडी को कंप्लीट कर दिया। आईसीएस स्टडी में उनकी 4th रैंक आई आफ्टर दैट। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस गुड पोजीशन में रह रहे थे, अच्छे हालात में रह रहे थे। लेकिन उनको खुशी नहीं थी, क्योंकि इंडिया के हालात देखने के बाद वो खुश नहीं थे। इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते थे, इंडिया को आजाद करना चाहते थे। तब इंडिया को रन कर रहा था उस ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस जालिम इंडिया को रन कर रहा था। इंडिया के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। दिन ब दिन लोग मरते जा रहे थे। लोगों की मरने की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन इंडिया के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया के हालात देखने के बाद सुभाष चंद्र बोस खुश नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत पावरफुल डिसीजन लिया। सुभाष चंद्र बोस ने डिसीजन लिया कि मैं आईसीएस जॉब को रिजाइन कर दूंगा। आईसीएस जॉब, जैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं आईसीएस जॉब को रिजाइन कर दूंगा, जगह जगह न्यूज़पेपर में, टीवी में ये खबर आने लगी कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस जॉब को रिजाइन करने का डिसीजन ले लिया है। फिर उसके बाद जब इंडिया में सुभाष चंद्र बोस आ रहे थे, अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा शौक थे किस लिए सुभाष चंद्र बोस इंडिया में आ रहा है। इतनी बेहतरीन जॉब, इतनी अच्छी जॉब, इतने पैसे वाली जॉब छोड़ के वो इंडिया में क्यों आ रहा है? जब सुभाष चंद्र बोस इंडिया में आ रहे थे तो इंडिया के लोग एक एक करके इंडिया की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। लोग आ रहे थे लाइन में। आने के बाद सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस व्हाई डिड यू कम इन द इंडिया? आप इंडिया में क्यों आए? आईसीएस जॉब को छोड़कर आप इंडिया में क्यों आए? सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि अगर आप लोग गुड सिचुएशन, आप लोग अच्छे हालात में नहीं रह सकते तो हम अच्छे हालात में नहीं रह सकते। आप लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं रहेगी तो हमारे चेहरे पर खुशी नहीं रहेगी, इसलिए हम इंडिया आ गए। हम अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं। इंडिया के हालात देखने के बाद मैं अच्छे हालात में नहीं रह सकता, इसलिए मैं आया हूं, इंडिया को आजाद कराना चाहता हूं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आए। इंडिया आने के
बाद फिर उन्होंने गांधी के ग्रुप को ज्वाइन किया। गांधी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद गांधी जी के साथ गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब लोग मिलकर देश को आजाद कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, दांडी मार्च मूवमेंट कर रहे थे। उसके बाद सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे थे। हमारे देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा ही अपना 100% दे रहे थे हमारे देश को आजाद कराने के लिए। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, भगत सिंह सब लोग अपना 100% दे रहे थे हमारे देश को आजाद कराने के लिए। जब हमारे देश के पावरफुल लीडर अपना 100% दे रहे थे देश को आजाद कराने के लिए, तब एक टाइम अंग्रेज हुकूमत को ऐसा लगा कि हमको ऐसा करना चाहिए कि कुछ इन लोगों को लालच देना चाहिए, कुछ इन लोगों को लालच देकर अपने अंडर में करना चाहिए। तब उसने अंग्रेज हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी से कहा कि हम आपको डोमिनेंट दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, आपको हम फ्रीडम दे रहे हैं, आप फ्रीडम के हिसाब से रह सकते हैं। गांधी जी इस बात से एग्री थे, डोमिनेंट से गांधी जी एग्री थे, बट सुभाष चंद्र बोस डोमिनेंट से एग्री नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस डोमिनेंट का मतलब जान रहे थे, लेकिन गांधी जी डोमिनेंट का मतलब नहीं जान रहे थे। सुभाष चंद्र बोस मतलब ये जान रहे थे डोमिनेंट से खाली आप फ्रीडम रह सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को समझाने लगे कि डोमिनेंट की वजह से सिर्फ आप फ्रीडम रह सकते हैं, पूरे देश के लोग फ्रीडम नहीं रह सकते। देश के हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए हम कंप्लीट फ्रीडम चाहते हैं, हम पूरी तरह से आज़ादी चाहते हैं, हम कंप्लीट फ्रीडम चाहते हैं, हम डोमिनेंट से एग्री नहीं हो सकते। ये ब्रिटिश हुकूमत हमारे पावरफुल लीडर में से कोई भी लीडर को ये हटा सकती है, इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि कोई भी लीडर को हटा सकती है। इसलिए हम डोमिनेंट से एग्री हो सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट से एग्री होने के बाद ये ब्रिटिश हुकूमत हमारे पावरफुल लीडर को हटा सकती है, हमारे पी पावरफुल लीडर को रिजेक्ट कर सकती है। इस वजह से हम इससे एग्री नहीं हो सकते। अगर आपको एग्री रहना है तो आप रहिए, लेकिन हम कंप्लीट फ्रीडम चाहते हैं, हम पूरी तरह से देश को आज़ाद चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बात सुनने के बाद गांधी जी ने डोमिनेंट को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद गांधी जी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू सब लोग अपना 100% दे रहे थे देश को आजाद कराने के लिए, सब लोग अपना 100% दे रहे थे। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वार आ गया तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट कमजोर पड़ गई, अंग्रेज लोग कमजोर पड़ गए। अंग्रेज लोग जितने भी पावर थी, जितने भी उनके पास हथियार थे, जितने भी पावर थे, गन थे, तलवार थी, सारी चीजें उन्होंने वर्ल्ड वॉर में लगा दी। इनके पास अब किसी भी तरह की पावर नहीं थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि यही सही मौका है, सब लोग एक साथ मिल जाओ, पूरे देश के लोग एक साथ मिल जाओ और देश को आजाद कराने के लिए एक वन बाई वन सब लोग मूवमेंट करो, सब लोग देश को आजाद कराने के लिए रैली निकालो, सब लोग देश आजाद करने के लिए मूवमेंट करो, प्रोटेस्ट करो। उसके बाद सब लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए, लाखों की तादाद में, दसियों लाख की तादाद में सब लोग इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर देश को आजाद करने के लिए सब लोग आगे बढ़ने लगे। जब एक एक करके सब लोग आगे बढ़ने लगे, उसके बाद फॉर्चुनेटली 1947 में देश आजाद हो चुका। देश आजाद हो जाने के बाद ब्रिटिश हुकूमत अपना दम तोड़ चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी पूरी हुकूमत इंडिया के लोगों को दे दी, गांधी जी को दे दी, इंडिया के पावरफुल लीडर को दे दिया, कहा कि अब बस मैं यही तक चल सकता हूं। उसके बाद इंडिया को सक्सेस मिल गई 1947 में। उसके बाद इंडिया आजाद हो चुका था। इंडिया तब बहुत अच्छा फील कर रहा था। आज हम लोग आजाद फील कर रहे हैं तो सुभाष चंद्र बोस की वजह से, गांधी जी की वजह से, जितने भी हमारे पावरफुल लीडर हैं इंडिया के, इन लोगों की वजह से आज हम अपने आप को आजाद फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।